तो पहला आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के अंदर साल 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हरियाणा राज्य के लिए साल 2022-23 का लोक लेखा जो समिति का अध्यक्ष बनाया गया वो वरुण चौधरी को बनाया गया। एक छोटा सा पॉइंट याद कर लेना है आपको, ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है वरुण चौधरी। वरुण चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया, ये बात तो ठीक है। ये हरियाणा विधानसभा के अंदर एक नई समितियां हैं, उनका गठन हुआ था। जैसे संसद के अंदर कुछ कमेटियां होती है ना, एज इट इज ही कुछ कमेटी हरियाणा के अंदर भी बनाई गई है। और लोक लेखा समिति मतलब हरियाणा के अंदर जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के बेसिकली भ्रष्टाचारी या यूं कहिएगा करप्शन या ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, उन चीजों को चेक करने के लिए आप लोगों को ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कल वाला पीडीएफ और आज वाला पीडीएफ सारे शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। कल कुछ बिजी होने के चलते मैं पीडीएफ नहीं शेयर कर पाया, आज पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे। रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास फ्री होकर मैं इनको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी एक बार दिल लगा के सुनिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें ना कई सारी चीजें अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर जो है ना किसे बनाया गया है। हरियाणा के अंदर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर बनाए गए हैं करण सिंह को। किसे बनाया गया? करण सिंह को। सीधे से सवाल है, बहुत मेहनत करके डेटा आपके आगे लेके आ रहा हूं, तो प्लीज इसकी इज्जत करना आप लोग, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही वैल्यूएबल है। देखो हरियाणा जीके नॉर्मल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से पढ़ लो, कोई मार्केट की किताब लेके पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कंटेंट के लिए मेहनत लगती है, इवन मैंने क्वेश्चन बना रखे तो भी मुझे मेहनत लगी मेरे ही क्वेश्चनों में से छांटने के लिए मुझे, ठीक है। स्पेशल जो अपॉइंटमेंट वाले वही चीजें छांट के आपको दे पाऊं मैं, तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं इनको और भी। तो मास ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है क्या सर? हरियाणा के अंदर बेसिकली जो हाई स्पीड रेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल रैपिड ट्रेन है आपकी, वो चलने की बात होती है, तो वो हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन है ना, इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनाया गया है करण सिंह को, ये याद रखना। और यहां से मुझे जो लग रहा है ना, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि HMRTC का फुल फॉर्म, आप लोग ना हरियाणा के कई सारे प्रीवियस पेपर देखने की कोशिश करो तो वो ये फुल फॉर्म पूछते हैं। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, किसका? HMRTC का फुल फॉर्म होता है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं, तो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव किसे बनाया गया? हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव बनाया गया है राकेश कोच को। नाम क्या है इनका? राकेश कोच, ये आपको दिखाई दे रहे हैं राकेश कोच को। और भारत के अंदर रेसलिंग जो आपका डिपार्टमेंट है उसके कोच का नाम श्री ब्रिजभूषण सरन सिंह है भारत के अंदर। हरियाणा के अंदर राकेश कोच है, सिंपली याद कर लेना आप लोग। हरियाणा में पहली बार कितने बुजुर्गों, ये तो खैर नहीं है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगला है कि किस राज्य के पूर्व सीएम बिप्लब देव हरियाणा के भाजपा के प्रभारी बना दिए गए। तो हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे विनोद तावड़े, लेकिन उनको बिहार भेज दिया गया और हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष बन गए हैं। आगे की बात करता हूं मैं, त्रिपुरा के अंदर ये हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवानिवृत्त आईएएस अफसर को हरियाणा बिजली निगम का चेयरमैन बना दिया, ये बहुत जरूरी है याद रखना आप लोग। हरियाणा के अंदर बिजली निगम के नए चेयरमैन बने हैं पीके दास बने हैं। हरियाणा के अंदर बिजली निगम के चेयरमैन बने हैं पीके दास, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा में बालिका शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हरियाणा के अंदर बालिका शिक्षा अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है निहारिका। बालिका शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निहारिका है। अच्छा अगर मैं पूछूं यूथ आइकन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गौरी शोराण है, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना क्या कि यूथ आइकन की ब्रांड एम्बेसडर गौरी शोराण है जो कि गागड़वास गांव की रहने वाली है, ठीक है। और बालिका की तो निहारिका होगी, और सेल्फी विद डॉटर जो है ना उसकी है अवनी अग्रवाल, और साक्षी मलिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर। पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है बहादुरी दीक्षित। गुरुग्राम जिले से है तनिष्का और रिदिका कोटिया, दो कोटिया सिस्टर है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेने हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल बनता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा में भारत सरकार ने किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इस डिपार्टमेंट के यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको किसे बनाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इनका नाम है प्रोफेसर राघविंदर तंवर, इनको 2022 जनवरी के अंदर पद्मश्री अवार्ड
भी मिला था, प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का नियुक्त चेयरमैन नियुक्त किया गया। बेहद जरूरी सवाल है। हरियाणा राज्य में महिला आयोग की चेयरमैन है रेणु भाटिया, ठीक है ना। रेणु भाटिया की मुंह दिख जाएगा कहीं, हाँ रेरा, मतलब चलो फोटो तो नहीं है, सर काट दिया गया, ठीक है ना। हाँ तो रेणु भाटिया। और हरियाणा राज्य के अंदर वॉइस चेयरमैन कौन है महिला आयोग की, नाम है प्रीति भारद्वाज, ठीक है ना। मैं दो तीनों चीजें लिख देता हूँ। हरियाणा के अंदर तो कौन है, हरियाणा के अंदर तो है रेणु भाटिया है, ठीक है ना, रेणु भाटिया। और भारत में कौन है, भारत की नाम है रेखा शर्मा, ठीक है ना, भारत के अंदर है रेखा शर्मा। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि हरियाणा के अंदर ना वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन का नाम भी आप लोगों को याद रख लेना है, कौन है, प्रीति भारद्वाज, ठीक है ना, प्रीति भारद्वाज है। महिला आयोग, महिला आयोग की मंत्री का नाम कमलेश ढांडा हरियाणा में। भारत में कौन है, भारत में स्मृति ईरानी है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लुआस के नए कुलपति बनाया गया। बहुत जरूरी सवाल है। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी जो हिसार में पड़ती है, साल 2010 में स्थापना हुई थी, इसके वीसी बनाया गया डॉक्टर विनोद कुमार को। क्या नाम है, विनोद कुमार को बनाया गया। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2010 के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी याद रखने वाली। किसे हरियाणा के नए सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। हरियाणा के अंदर नया जो है ना न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं, तो इस हरियाणा राज्य के अंदर नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। नाम क्या है, ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को बनाया गया है। हरियाणा के अंदर नए सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये है ज्योति, ये है पंकज, इनको नए सूचना आयुक्त बनाया गया। और इनको बनाया किसने, शपथ किसने दिलवाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ दिलवाई है। ये भी पॉइंट याद रखना। हाल ही में किसे खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है। तो खेल और युवा मामले का जो विभाग है इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है महावीर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ठीक रहेगा। महावीर सिंह स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह को ये खेल एवं युवा मामले के कार्यभार सौंपा है। ये सचिव बने हैं। खेल एवं युवा मंत्री कौन है, सरदार संदीप सिंह। भारत में खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। हरियाणा के कौन है, सरदार संदीप सिंह। और ये सचिव बना दिए गए हैं महावीर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे महानिदेशक आयुष हरियाणा का कार्यभार दिया गया है। आयुष डिपार्टमेंट के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हरियाणा के अंदर कौन बने हैं, तो इनका नाम याद रखना है साकेत कुमार। क्या नाम है, साकेत कुमार, ठीक है, साकेत कुमार हरियाणा के अंदर आयुष डिपार्टमेंट के अभी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। इसके बाद में है कला रामचंद्रन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हो, इस जिले की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष बनी है। हो सकता है आपने मेरी जुबान से सुन लिया हो, अब फिर से सुन लेना। कला रामचंद्रन हरियाणा के अंदर गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष बनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम प्रस्पेक्टिव, और एग्जाम प्रस्पेक्टिव आपके लिए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप लोग याद रखिएगा, अगर मैं यूं कहूं गुरुग्राम के 6000 एकड़ और प्लस में जो अगर मैं कहूंगा 4000 एकड़ जो है ना आपका, ये किसका हो गया, ये नूह का हो गया। दोनों को मिला दो तो टोटल 10000 एकड़ जो है ना ये एरिया आपका, 10000 एकड़ का एरिया का विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क यहां बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है ना वो यहां पे ही बनने वाला है आपका। आपको ये तो याद हो ही जाएगा। इसके अलावा आपको ये याद रह जाएगा कि यहाँ पे भारत की पहली OECM साइट जो है ना वो यहीं पे ही है। अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट मैंने पहले बताया था, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। फरवरी 2022 के अंदर जो है ना इसको घोषित किया गया, अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद में गुरुग्राम के अंदर जो बाटा एक कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम के अंदर जो पेटीएम मॉल है इसका भी हेडक्वार्टर आपका पड़ता है। गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम की कंपनी जिसका नाम REC लिमिटेड है, REC लिमिटेड भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है, 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। गुरुग्राम के अंदर ही आपकी और क्या है, एक रिन्यू पावर कंपनी है, रिन्यू पावर कंपनी है। और ये रिन्यू पावर कंपनी साल 2050 तक भारत के अंदर जो है ना वो सोलर एनर्जी से चलने वाले इक्विपमेंट पे काम कर रही है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर ही 50 एकड़ में साइंस सिटी बनाई जा रही है, ठीक है ना, जिसको आप लोग विज्ञान नगरी के नाम से जानने वाले हो, विज्ञान नगरी। भारत का पहला शांति केंद्र, ठीक है ना, भारत का पहला शांति केंद्र, भारत का
पहला शांति केंद्र, ठीक है ना, भारत का पहला शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर जो है ना वो भी कहां पे बना है, वो भी आपका गुरुग्राम में बना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए हरियाणा की इन्वर्टर फ्री सिटी, ठीक है ना, इन्वर्टर फ्री सिटी के बारे में बात की जाए तो दो है, एक जिले का नाम है गुरुग्राम है और एक जिले का नाम कौन सा, एक जिले का नाम है पंचकुला है, याद रखना। भारत का पहला सरस मेला, ठीक है ना, भारत का पहला सरस मेला, सरस मेला, तो भारत का पहला सरस मेला जो है ना 7 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक जो है ना ये भी गुरुग्राम के अंदर ही लगा था। तो ऐसे गुरुग्राम की कई सारी चीजें हैं, पर आपको मोटे तौर पे ये चीजें रिवाइज रहनी चाहिए, याद रखना आप लोग इनको। नेक्स्ट आपका जो सवाल बनता है वो किसका बनता है, वो है कि किसे हरियाणा सिविल सेवा का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्षा खंगवाल को बनाया गया था अध्यक्ष, लेकिन आलोक कुमार भी इसके साथ में अभी जॉइंट में पद संभाल रहे हैं। डॉक्टर डाक टिकट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डाक टिकट सलाहकार सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया सुनीता दुग्गल को, शायद इनको जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना, सुनीता दुग्गल के रूप में। साइंस सिटी गुरुग्राम नहीं है, ध्यान रखना, साइंस सिटी अंबाला है, साइंस सिटी यहाँ पे बनाई जा रही है 50 एकड़ में, वो गुरुग्राम है, लेकिन साइंस सिटी कहते अंबाला को है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे साइंस के बर्तनों के जो है ना उद्योग है, जैसे बिकर वगैरह है, इस टाइप से आपका जो है ना मतलब साइंटिफिक यूटेंशियल्स ज्यादा बनते हैं, इस वजह से, इस बात में फर्क रखना आप लोग। सुनीता दुग्गल को बनाया गया डाक टिकट सलाहकार समिति का, और ये एक रिजर्व सीट से सांसद है, सिरसा से सांसद है, आपको पता होगा हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों में से ये सिरसा की सांसद है, इस बात को याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट है आपका कि बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की कुलपति का कार्यभार किसने ग्रहण किया है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की नई वीसी बनी है, नाम है सुदेश छिकारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुदेश छिकारा, ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के वीसी। आपको 3-4 विश्वविद्यालय के नए वीसी बता देता हूं मैं, एक तो आपका जो CRSU जो है आपका चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद की पड़ती है, वहां के रणपाल सिंह है, रणपाल, वैसे मैंने याद करवाया था, याद है ना आपको, शायद याद होगा आपको, ठीक है, फिर भी चलो याद करवा रहा हूं। एक मीरपुर यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी का आपका, और मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की है, उसके जेपी यादव बने हैं। एक अभी बताया लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, इसके नए वीसी बने हैं विनोद कुमार, और एक सुदेश छिकारा बनी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की नई वीसी, बहुत जरूरी है ये भी याद रखना। रोहतक PGIM के डीन पद की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है कुलपति अनिता सक्सेना ने किसे सौंपी है, तो ये सौंपी है कुलदीप सिंह लालर को। कुलदीप सिंह लालर जो है ना, ये जो PGI रोहतक है ना, इसके डीन पद की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है वो सौंपी है कुलदीप सिंह लालर को, ये पॉइंट याद रखना है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरमैन जो है ना वो किसे नियुक्त किया गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का चेयरमैन भी सुनीता दुग्गल जो है ना इनको नियुक्त किया गया, सुनीता दुग्गल। हरियाणा सरकार ने सांसद सुनीता दुग्गल को अहम जिम्मेदारी सौंपी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की चेयरमैन है ये। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, मतलब मैं कह रहा हूं जब पेपर में चीजें आती है ना, ये दिमाग के पर चक्के उड़ जाते हैं, सीधे तरीके से याद भी नहीं रहते, खुद खुद के निकाले वाले सवाल है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, अगर CET का पेपर देने जा रहे हो तो बहुत बहुत ढंग से आप लोग जो है ना इसको याद करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के नए वीसी बनाया गया, मैंने अभी बताया था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के नए वीसी जो बनाया गया उनका नाम है प्रोफेसर JP यादव, नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है, प्रोफेसर JP यादव ही जो है ना इनको बनाया गया, साल 2013 के अंदर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ये पॉइंट भी याद कर देना आप लोग, ठीक है ना। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चनों से छोड़ के इस टाइप के कुछ आपके सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग है, ये डिपार्टमेंट 1 फरवरी 1969 को आया था, इसके अध्यक्ष का नाम है राजेंद्र लितानी, क्या नाम है, राजेंद्र लितानी है इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर आपका बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसकी अपना 2001 के अंदर हुई थी, इसके चेयरमैन का नाम विनित गर्ग है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में HLDB क्या है, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का मतलब हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना जनवरी 2000 में हुई थी और रणधीर गोलन जो है ना इसके अध्यक्ष है, याद रखिएगा आप लोग रणधीर गोलन।
उसके बाद में है हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड, ये याद रखना अभी बना था डिपार्टमेंट 2022 के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी करंट अफेयर का बिल्कुल तरोताजा सवाल है। हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड अभी बना था, चेयरमैन का नाम क्या, दुष्यंत चौटाला है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 20 दिसंबर 1999 को हुई थी और हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरमैन की अध्यक्ष का नाम है रेनू भाटिया और श्रीमती प्रीति भारद्वाज को महिला आयोग की चेयरमैन का वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये बात मैंने अभी तुमसे शेयर की है थोड़ी देर पहले ही, तो आप लोगों को यहां से याद करना है डियर। नेक्स्ट मेरे लाल क्या है कि हरियाणा ने श्रीमती प्रीति भारद्वाज, ये तो ठीक है चलो हो गया, हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, हरियाणा महिला एवं बाल विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट, पिछले 2020 में बबीता फोगाट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो है ना वो चेयरमैन बनी थी। थोड़ी चीजें फिर रिवाइज कर ले, कोई गड़बड़ नहीं होएगी क्या, कि आप भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी पढ़ते हो, हरियाणा के अंदर आप लोग पढ़ते हो कमलेश ढांडा जो कि कलायत से जीती हुई राज्य मंत्री है, और आप लोग महिला एवं बाल विकास मंत्री के या आयोग की चेयरमैन इंडिया में रेखा शर्मा पढ़ते हो, हरियाणा में प्रीति भारद्वाज पढ़ते हो, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं हरियाणा में रेणु भाटिया पढ़ते हो और वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज पढ़ते हो, और हरियाणा में महिला विकास निगम की चेयरमैन, थोड़ा सा फर्क है इस चीज का, महिला आयोग की चेयरमैन तो है रेणु भाटिया, महिला विकास निगम की चेयरमैन है आपकी बबीता फोगाट, छुटकू सा ही फर्क है, और इतना ही फर्क जो है ना एग्जाम में लंका लगाता है, तो थोड़ा सा बारीकी की पहचान जरूर रखना है इसमें भी आपको। राइट टू सर्विस कमीशन सेवा का अधिकार है, साल 2014 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, चेयरमैन का नाम इसका क्या है, TC गुप्ता है। हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग जो है ना टूरिस्ट, अच्छा मैं बताऊं कि नेशनल टूरिस्ट डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी को नेशनल टूरिस्ट डे मनाते हैं, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1974 में हुई थी, हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस 1 सितंबर को, तो नेशनल अगर मैं बताऊं तो 25 जनवरी बताया, लेकिन मैं हरियाणा का बताऊं तो वो 1 सितंबर है, और हरियाणा राज्य के पर्यटन मंत्री का नाम क्या है, कंवर पाल गुज्जर है, ये बात भी तुम्हें नहीं भूलना है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, क्या गजब का डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस डिपार्टमेंट के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो श्री दरबारी लाल गुप्ता थे आपके HPSC जो है, इसके एट प्रेजेंट में आलोक वर्मा है, कुछ टाइम के लिए जब केसेस वगैरह कहीं थे तो वर्षा खंगवाल जो मैंने अभी बताया था वो बनी थी कुछ टाइम के लिए, 1 नवंबर 1966 को, और इनकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 साल व अधिकतम 62 साल तक होता है आपका। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके कार्यकाल को जो है ना कौन संभालते हैं, इनके कार्यकाल मतलब इनको नियुक्त कौन करवाते हैं, तो HPSC के मेंबर हमेशा हमेशा जो नियुक्त होते हैं ना वो राज्यपाल के थ्रू ही होते हैं, गवर्नर ही इनको नियुक्त करते हैं, इसको पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है, इनका PDF फाइल आपको मिल जाएगा डियर, ये बात ध्यान रखना। हरियाणा राज्य सूचना आयोग, हरियाणा राज्य सूचना आयोग इसका गठन हुआ था साल 2005 के अंदर, कब बना था ये, 2005 में बना था, मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है, विजय वर्धन, ये थोड़े टाइम पहले ही अभी बने थे, मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन बने थे, और राज्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है, ये है SS फूलिया, क्या नाम है, SS फूलिया, दोनों याद कर लेना। वैसे आज रात को ना 9:30-9:30 क्लास लूंगा मैं अपने चैनल स्टार IQ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो, और वो क्लास एक्चुअली किस लिए होगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत ही मेन करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को देने वाला हूं मैं आज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसको आप HSSC कहना चाह रहे हो, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी, इसको वैधानिक दर्जा 28 फरवरी को मिला था 2005 में, और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन का नाम श्री भोपाल सिंह खदरी है, याद होगा आप लोगों को ये। तो हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, हरियाणा में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित किया गया था, इस अधिनियम के तहत है क्या, IP जो वशिष्ठ हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त बने थे, जिन्होंने 5 जनवरी 1999 को यह पद ग्रहण किया, हरियाणा के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाना, हरियाणा के जो डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भ्रष्टाचार चल रहा है उस चीज की देखरेख करना, इसके लिए यह डिपार्टमेंट काम करता है, और सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम, चलो हो गया तो बात आपकी, और सितंबर 1999 को इस अधिनियम को राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद के द्वारा बंद कर दिया, खत्म कर दिया था, लेकिन इसको फिर से कहीं लाया गया लोकायुक्त एक्ट 6 जनवरी 2002 को, राष्ट्रपति ने साइन किए 27 जनवरी 2003 को, और वित्तीय वर्ष 2004-05 में इसे फिर दोबारा लागू किया गया
आज इसके अध्यक्ष बने हैं हरिपाल वर्मा, ये 2021 के अंदर बने हैं। तो आप ना ज्यादा चीज ना याद करें तो भी चल जाएगा, आप इतना याद कर ले कि हरियाणा में वर्तमान लोकायुक्त है कौन, हरिपाल वर्मा। कौन है? हरिपाल वर्मा हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है, ये बात आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है डियर, ठीक है ना। चलो जी, सर खदरी क्या है? खदरी गांव का नाम है, यमुनानगर के अंदर पड़ने वाला जगह का नाम है, ठीक है ना। चलो तो अगला जो आपका है वो क्या है आपका, अच्छा इसको एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं कि हरियाणा में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत श्री आईपी वशिष्ठ हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त बने थे, जिन्होंने 5 जनवरी 1999 को यह पद ग्रहण किया था। 19 सितंबर 1999 को इस अधिनियम को राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद जो है ना हरियाणा के जो राज्यपाल रहे थे, इन्होंने इस पद को निरस्त कर दिया था। फिर दोबारा से एक्ट आया 6 जनवरी 2002 को, राष्ट्रपति जी ने साइन 27 जनवरी 2003 को किया और हरियाणा राज्य के अंदर 2004-05 में जो है इसे लागू किया गया। और आज के टाइम में ये दोबारा आपका है हरिपाल वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है। हरियाणा निर्वाचन आयोग, क्या गजब का क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैं भारत में निर्वाचन आयोग की बात करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपका 25 जनवरी 1950 को आया था। और निर्वाचन आयोग जो है ना 25 जनवरी को आया, तो 25 जनवरी को आप लोग वोटर डे मनाया करते हो। और भारत में निर्वाचन आयोग में पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने थे, नाम है सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में 25वें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं, नाम है इनका क्या, राजीव कुमार। रिसेंटली 25वें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं, नाम है राजीव कुमार, और पहले सबसे पहले बने थे उनका नाम सुकुमार सेन। ये भारत लेवल की बात है। हरियाणा लेवल की बात पे आता हूं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को और हरियाणा के चुनाव आयुक्त का नाम है धनपत सिंह। आपने इनका नाम अच्छे से याद करना है, क्योंकि अभी ना पंचायत इलेक्शन वैसे भी चल रहे हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो ये नाम बहुत चर्चा का है, इंपॉर्टेंट है। राज्य के चुनाव आयुक्त का नाम है डॉक्टर धनपत सिंह। हरियाणा मानवाधिकार आयोग यानी कि हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हो, और इसका गठन साल 2012 के अंदर किया गया था, और इसके अभी एट प्रेजेंट अध्यक्ष का नाम है सतीश कुमार मित्तल। क्या नाम है? सतीश कुमार मित्तल। हरियाणा वन विकास निगम, साल 1989 के अंदर ये वन विकास निगम आया था, और श्री धर्मपाल गोंदर जो है ना इसके एट प्रेजेंट में अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा के अंदर भंडारगार जो आपका भंडारणगार निगम है, जैसे एग्जांपल से आप लोग ये बड़े बड़े फूड स्टोरेज की बात करते हो, साइलो सेंटर की बात करते हो, जहां पे बिना बोरी के आप लोग अनाज को स्टोर किया करते हो, ग्रेनरी, फूड ग्रेनरी की बात किया करते हो, उनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी स्थापना 1974 के अंदर हुई है। श्री नयन पाल रावत जो है ना इसके अध्यक्ष है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं धीरे धीरे लटक मटक के पढ़ाऊं तो इसमें क्या ही तो फायदा हुआ तुम्हारा फायदा। मैंने लगभग 78 जो है ना यहाँ पे पेजेस के साथ में पीडीएफ फाइल तैयार किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम आराम से पढ़ा दूंगा। मैं वंदे भारत नहीं, मैं पैसेंजर ट्रेन, और मुझे टॉय ट्रेन बनना भी आता है, ठीक है ना, जो हिमाचल प्रदेश में चलती है ना, छुक 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 धीरे धीरे। मैं गीत गाना भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, धीरे बहुत धीरे पढ़ा सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये चीजें याद करना का है, जो चीज समझने की है वो तुम कैच तो करो, तुम तो इस लेवल के बनो तो सही यार। आप लोग पेपर तुम्हारे सर पे हैं, और मैं थोड़ा स्पीड बताऊं क्यों लेके बैठा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है तुम में से कोई सीटी का पेपर देने जाए तो करके मैं थोड़ा उस स्पीड पे हूं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि वहां तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, मुझे तुम्हें अंदाजा नहीं होगा पर मुझे अंदाजा है कि मेरी इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। मैं पिछले 3-4 दिनों से स्पेशली, वैसे तो 1-2 बजे तो वैसे ही सोता हूँ, पर इसके लिए तो मैं स्पेशली 3-4 बजे जाते हैं लगभग, ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ इसमें मैं तो। खैर बाकी आप समझदार हो, कोई बात नहीं, मैं धीरे पढ़ा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री, इसके तो हो गए हरियाणा भंडारगार निगम, इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में हुई, और श्री नयन पाल रावत जो है ना, श्री नयन पाल रावत जो है ना इसके एट प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? इसके एट प्रेजेंट में अध्यक्ष है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हरियाणा सरस्वती धरोवर के अध्यक्ष, हरियाणा राज्य के अंदर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बना था। हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना वो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बना था, और इस डेवलपमेंट बोर्ड
की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना साल 2015 को की गई थी, ठीक है ना। और सरस्वती नदी के अनुसंधान एवं पुनरुद्धार के लिए, क्यों? क्योंकि ये एक नदी जो है ना पौराणिक नदी है, ये याद रख लेना है आप लोगों को। तो ये एक टाइप की जो है ना वो पौराणिक नदी है। पौराणिक नदी का मतलब है ये एक ऐसी नदी है आप लोगों की जो बहुत लंबे टाइम से, मतलब यूं कहिएगा अगर मैं कहूं कि ऋग वैदिक काल की या वैदिक हिस्ट्री की सबसे पुरानी जो नदी आपकी या सबसे पवित्र नदी अगर आपसे पूछा जाए ना तो सरस्वती नदी रहेगा। मेरे लेक्चर में आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि हरियाणा राज्य का एक जो प्रादेशिक नाम है ना वो ब्रह्मवर्त था, और इसका मतलब ये था क्या कि एक आपका दृष्टदती नदी है और एक नदी आप लोगों की जो है ना कौन सी, सरस्वती। तो हरियाणा राज्य का स्थल सरस्वती और दृष्टदती के बीच में पड़ने वाला स्थल है ना उसको आप लोग कहते हो। हरियाणा का प्रादेशिक नाम जो है ना वो यही रहेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है सर। ये पॉइंट भी हो गया है। अब इसके अगली बात हमारी जो है ना वो क्या रहेगा कि सरस्वती नदी के अनुसंधान, मतलब क्या ही तो विलुप्त होगी, अब तो वर्तमान में है नहीं, तो इस पे रिसर्च करने के लिए कहां कहां से ये बहती थी, कहां कहां से इसकी धाराएं थी, इसका पता लगाने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष श्री मनोहर लाल खट्टर है। याद रखना, ये जरूरी नहीं है, उससे जरूरी सवाल बताता हूं, इसके वाइस चेयरमैन यानी कि इसके उपाध्यक्ष पूछे जाने की संभावना है और वो है धूमन सिंह किरमच। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में पहले पूछा जा चुका है। आई विल रिपीट अगेन, क्या हरियाणा सरस्वती धरोहर अध्यक्ष है, इसकी स्थापना कब हुई थी 2015 के अंदर, सरस्वती नदी के ऊपर रिसर्च करने के लिए और सरस्वती नदी को पुनरुत्थान करने के लिए ये एक बोर्ड बना था। हरियाणा राज्य वित्त आयोग 31 मई 1994 को ये डिपार्टमेंट बना था और इस डिपार्टमेंट में छठे वित्त आयोग का कार्यकाल रहा है आपका क्या 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यह कार्यकाल रहेगा। छह वित्त आयोग के चेयरमैन जो है ना छठवें के नाम है राघवेंद्र राव और छठवें वित्त आयोग के सलाहकार का नाम है प्रोफेसर गोयल, प्रोफेसर एमएम गोयल। याद रखिएगा, काफी देखो कितने प्यारे और कितने क्यूट से क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन में यह झलक आ रही है कि यार ये पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य वित्त आयोग, इसकी स्थापना 31 मई 1994 को हुई। ये करंट अफेयर तो है ये, पर जीके भी है इसके अंदर, देख रहे हो डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई है ना। और इसके अंदर अभी बात यह पूछी जा सकती है कि हरियाणा राज्य के अंदर फिलहाल में फाइनेंस कमीशन कौन से नंबर का चल रहा है, फाइनेंस कमीशन फिलहाल के लिए छठवें नंबर का चल रहा है। जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका 2021-22 से लेकर और 2025-26 तक का जो ना टाइम पीरियड है, इस छठवें आपके आयोग के जो चेयरमैन है उनका नाम राघवेंद्र राव है और अगर पूछा जाए कि छठवें वित्त आयोग के सलाहकार को ना तो प्रोफेसर एम एम गोयल जो है ना वो इसके एट प्रेजेंट में जो है ना वो सलाहकार है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये हरियाणा राज्य वित्त आयोग है यानी कि हरियाणा स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, याद रखना। इसका जो स्टेबलाइज गठन हुआ 31 मई को हुआ था और बाकी चीजें आप लोगों को मैंने यहां पे शेयर कर ही दी है, ठीक है। बाजरे के बिस्किट जो है ना कौन बनाएगा, ये हैफिड बनाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। 1st ऑफ नवंबर 1996 को जो है ना, और इसके चेयरमैन का नाम कैलाश भगत है। बहुत जरूरी है नाबार्ड बैंक, हालांकि नाबार्ड बैंक जो है ना आप लोगों को इंडिया का थोड़ा सा जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बहुत जरूरी है ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बात है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या है NABARD, नाबार्ड बैंक जो है ना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आई विल रिपीट अगेन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड है। इसकी स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को जो है ना इसकी स्थापना हुई है। ये स्टेबलाइज हुआ है डिपार्टमेंट 12th ऑफ जुलाई 1982 को हुआ है। इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन का नाम है गोविंद चिंताला, पूरा नाम है गोविंद राजू चिंताला, क्या नाम है गोविंद राजू चिंताला इसके चेयरमैन है। और इसकी बात यूं भी याद रखिएगा कि इसी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो है ना एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम क्या है, माई पैड माई राइट, ठीक है ना, माई पैड माई राइट एक स्कीम लॉन्च की थी। इसका मतलब है कि गर्ल स्टूडेंट को 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सैनिटरी नैपकिन पैड फ्री देना, इस स्कीम का नाम है ये। 6th क्लास से 12th क्लास तक की गर्ल स्टूडेंट को जो है ना ये सैनिटरी नैपकिन पैड फ्री देना, ये माई पैड माई राइट स्कीम। एक्चुअली ये स्कीम एक राज्य और में भी आई है जिस राज्य का नाम
त्रिपुरा, यहां पे निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट की थी। यह भी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना, निर्मला सीतारमण ने जो है ना इसको स्टार्ट किया था। 6वीं से 12वीं क्लास तक की गर्ल स्टूडेंट को सैनिटरी नैपकिन पैड फ्री देने की स्कीम है ये वाली नाबार्ड बैंक ने। नाबार्ड बैंक को थोड़ा जरूरी याद कर लेना, नेशनल बैंक है ये आपका। हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा फार्मर्स कमीशन की बात करते हो आप लोग, तो हरियाणा फार्मर कमीशन की बात करें, किसान आयोग 2007 में बना था, रमेश कुमार जो है ना इसके अध्यक्ष है। ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा के अंदर आजकल ये काम क्या कर रहा है कि हरियाणा के अंदर हर खेत स्वस्थ खेत जैसी योजनाओं पे काम करवा रहा है। आप लोगों को बहुत ढंग से याद रखना है, क्या नाम है, हर खेत स्वस्थ खेत। हर खेत स्वस्थ खेत जो है ना इस योजना पे काम कर रहा है ये, हर खेत स्वस्थ खेत हिंदी इंग्लिश में यही है भाई, ठीक है ना, हर खेत स्वस्थ खेत। इसका काम है कि मिट्टी की जांच करना, हर एक खेत के हेल्थ कार्ड बना के देना। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। हर खेत स्वस्थ खेत मतलब आपकी मिट्टी जो है ना उसकी जांच करना, और इस मिट्टी की जांच का लैब का मतलब एक हेल्थ कार्ड, जैसे आपकी बॉडी का हेल्थ कार्ड बनता है एज इट इज, एक हेल्थ कार्ड जो है ना डिजाइन करके देना, ये हरियाणा किसान आयोग का काम है। ये याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर फार्मर्स कमीशन का काम है। स्थापना कब हुई है, साल 2007 के अंदर हुई है, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, रमेश कुमार है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हरियाणा गो सेवा आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर जो काउ कमीशन है ना ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है, इसके चेयरपर्सन है, वो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्रवण कुमार गर्ग है। क्या नाम है इनका, श्रवण कुमार गर्ग जो है ना, इनके ऑलरेडी आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद कर लेना है कि श्रवण कुमार गर्ग, क्योंकि पेपर में पूछा गया है, और इसी डिपार्टमेंट की स्थापना साल 2015 में हुई। इन्होंने एक योजना स्टार्ट की है, इस योजना का नाम क्या, चारा बिजाई योजना, ठीक है ना। चारा बिजाई मतलब एक्चुअली तो मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया, पर इनके अंडर काम करेगी चारा बिजाई योजना। अब ये चारा बिजाई योजना क्या है, इस चारा बिजाई योजना के अंदर कोई किसान अपने खेत के अंदर अगर बाकी फसल को छोड़ के चारा उगाता है तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो है ना मिलने वाले हैं। एक किले के 10,000 रुपए मिलेंगे, फायदा होगा ताकि गौशाला के अंदर प्रॉपर जो है ना चारा हरा पहुंच पाए। अधिकतम कितना मिलेगा, अधिकतम 10 एकड़ तक का जो है ना इसके अंदर अनुदान दिया जाएगा। भी मान लो मेरे पास 10 किले हैं तो मेरे को 1,00,000 रुपए तक जो है ना ये अनुदान दे दिया जाएगा, मेरे को यानी कि सब्सिडी दे दी जाएगी 1,00,000 तक की मैक्सिमम। तो इसके अध्यक्ष का नाम श्रवण कुमार गर्ग है, इसकी स्थापना 2015 को हुई थी। हरियाणा गौ सेवा आयोग जो है ना इसके डिपार्टमेंट का नाम है। और एक बात और याद रखना कि हरियाणा राज्य के अंदर अगर कोई देसी गाय खरीदता है, हरियाणा राज्य के अंदर अगर वो देसी गाय खरीदता है तो उसको 25,000 रुपए जो है ना वो दिए जाते हैं, ताकि हरियाणा के अंदर जो है ना, ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना डियर, क्या कि 25,000 रुपए जो है ना देने का मतलब है कि देसी गाय का बढ़ावा मिल सके हरियाणा राज्य के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये वाला भी। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड की बात करता हूं, हरियाणा के अंदर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना इसकी स्थापना कब हुई, इन द ईयर ऑफ 1977 को। चेयरमैन का नाम क्या है, रणधीर सिंह है, ये बात भी आप याद रखना है, ठीक है ना। ये तो चीज ठीक है, सेम आ गई आपकी। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की बात करता हूं, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड 1 अगस्त 1969 को आया। अध्यक्ष का नाम क्या है, कृष्ण अहलावत है। हरियाणा के अंदर जो मंडियां हैं उस मंडियों को मैनेज करने के लिए ये वाला डिपार्टमेंट काम करता है। हरियाणा राज्य कॉर्पोरेटिव अपेक्स, जिसको आप लोग जो है ना हरखो बैंक के नाम से जानते हैं, क्या गजब का क्वेश्चन बनता है पेपरों के अंदर ना, बहुत बार जो है ना इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर हरखो का फुल फॉर्म बता दो, तो हरियाणा कॉर्पोरेटिव अपेक्स बैंक, क्या नाम है, हरियाणा कॉर्पोरेटिव, हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव अपेक्स बैंक है। 1966 यानी कि जब आपका हरियाणा बना था तभी तो ये आया था आप लोगों का। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है, अरविंद यादव है। क्या नाम है इनके चेयरमैन का, नाम अरविंद यादव है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको आप लोग हुड्डा के नाम से जाना करते हैं, तो हरियाणा के अंदर जो आपका अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हो, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP अभी बना दिया, मतलब अब आज हुड्डा को आप लोग HSVP के नाम से कह ही रहे हो। तो इसकी स्थापना कब हुई है, जनवरी 1977 को।
और इसके चेयरमैन तो हरियाणा के सीएम साहब ही होते हैं, मुख्यमंत्री साहब ही होते हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको जहां जहां पे हुड्डा लिखा मिलता था, अब आपको हर जगह पे एचएसवीपी लिखा मिलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है ना, उसको अब आप हुड्डा नहीं बोलते हो, ध्यान रखना, उसको एचएसवीपी बोलोगे। थोड़ा फर्क है, कहीं ना कहीं एक कांग्रेस या हुड्डा जो है ना उससे कहीं मिल खाता होगा कहीं। तो ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो गया, ये एचएसवीपी, अब हिंदी इंग्लिश में इसको एचएसवीपी के नाम से ही जानते हो आप लोग, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह सब हटा दिया है। HPGCL ठीक है ना, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1997 को आया। पी के दास जो है ना इसके चेयरमैन तो है ही है आपके, ठीक है। अगला है कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC, ये खूब चर्चा में है डिपार्टमेंट। और खूब चर्चा में होने की वजह क्या है बताता हूं, इसके खूब चर्चा में होने की वजह है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 900 एकड़ जो है ना, 900 एकड़ आपकी किसको दी है, 900 एकड़ जमीन दी है मारुति सुजुकी की को दी है, खरखोदा प्लांट, ठीक है ना। खरखोदा प्लांट आप लोगों को शायद याद होगा, खरखोदा प्लांट बनेगा 900 एकड़ का 18,000 करोड़ की लागत का। इसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को हुई है। चेयरमैन का नाम क्या है, श्री वी उमा शंकर जो है ना इसके चेयरमैन का नाम है एट प्रेजेंट में। अगला है हार्ट्रोन, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1 जनवरी 1983 को ये आया था। और आपका जो है ना हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है, फिर इसकी स्थापना 1971 को, राजदीप फोगाट है हाउसिंग बोर्ड के। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, मतलब आप वो दो स्किप भी करो चलता है, लेकिन इसको बहुत जरूरी याद करना। सीएम का नाम क्या है, मतलब चेयरमैन कौन है, सीएम ही है। वाइस चेयरमैन कौन है, सुषमा गुप्ता। अच्छा, सुषमा गुप्ता से आपको सुषमा स्वराज याद आ रहा होगा, सुषमा स्वराज अंबाला कैंट से संबंधित, और उनके नाम पे 5 लाख वाला एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है 8 मार्च 2022 का, जो हमारा बजट आया था ना उस दिन स्टार्ट किया गया। हर साल 8 मार्च को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा, बहुत बहुत जरूरी। महासचिव का नाम तो मुकेश अग्रवाल है, नहीं याद करना तो चल सकता है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों जरूरी याद कर लेना आप लोग। अगला जो क्वेश्चन बनता है, ISA, क्या ही बात करें, बहुत ही ज्यादा गजब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नवंबर 2015 के अंदर पेरिस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा गजब की बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है आपका, याद रखना। 2016 के अंदर हेडक्वार्टर बना आपके हरियाणा गुरुग्राम में, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, अजय माथुर जो है ना इसके अध्यक्ष हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। चलो जी, अगला जो सवाल हमारा क्या रहना है यहां पे, कि ये तो पॉइंट हो ही गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, ये क्या है सर, ये है आपका हरियाणा स्टेट के अंदर जो है ना चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है, ये चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर कमीशन कब बना था, 1 अप्रैल 1971 को बना था। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या, रंजिता मेहता, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ के अंदर, याद रखिएगा। तो रंजिता मेहता डायरेक्टर जनरल, महासचिव का नाम डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, हेडक्वार्टर ये हो गया, स्थापना इसकी होगी, और ये चाइल्ड वेलफेयर है, बच्चों से संबंधित। अच्छा, बच्चों से रिलेटेड ना मुझे योजना याद आ रही है, 2021 की बात है, 2021 कौन से 21, जून 2021 की बात है, 21 जून 2021 की बात है, प्रॉपर भी बता देता हूं। एक योजना स्टार्ट की थी, कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टार्ट की थी। और ये किसने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की थी हरियाणा के सीएम ने। क्यों स्टार्ट की थी, जो कोविड के दौरान बच्चे अनाथ हो गए, कोविड-19 के कारण जिन बच्चे अनाथ हो गए हैं ना, कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं ना, उनके लिए योजना जो है ना स्टार्ट की गई थी। और अभी मैं बता देता हूं कि हरियाणा में टोटल 93 ऐसे बच्चे हैं जो कोविड के कारण अनाथ हो गए हैं, मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई है, ऐसे 93 बच्चे हैं, या यूं कह सकते हो आप 93 परिवार उजड़ गए हरियाणा के, जो बिल्कुल जड़ से साफ हो गए, मम्मी पापा दोनों ही चले गए कोविड के कारण। इनको हरियाणा सरकार हर महीने जो है ना वो 2,500 रुपए दे रही है, याद रखना। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री
बाल सेवा योजना के तहत इनको पेंशन के रूप में इतना पैसा दे रही है। तो ये काफी जरूरी बात है। 21 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड-19 वगैरह वगैरह सब आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये भी। हरियाणा तीरंदाजी संघ की बात करते हो आप लोग, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा तीरंदाजी के संघ जो है ना, इसके अध्यक्ष का नाम कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा जल संरक्षण जल संसाधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष का नाम केसनी आनंद अरोड़ा। क्या ही गजब का क्वेश्चन है ये जो महिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहता हूं इनका परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन बहनें, तीनों ही जो है ना वो मुख्य आयुक्त रह चुकी है। ये कितनी गजब की फीलिंग होती होगी ना, मतलब तीन बहनें तीनों ही सेम ऐसे हायर लेवल की पोस्ट पे बन चुकी है। ये हरियाणा के अंदर मुख्य आयुक्त थी, किनसे पहले, विजयवर्धन, इनके बाद बने विजयवर्धन और अब बने संजीव कौशल। याद होगा ना आप लोगों को, अच्छे से याद होगा शायद ये बात। तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं, हरियाणा के अंदर फुटबॉल संघ, हरियाणा फुटबॉल फेडरेशन की बात करो आप लोग, तो इसके अध्यक्ष है सूरजपाल अम। और याद रखना अंबाला जो हमारा हरियाणा का जिला है ना, अंबाला के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फीफा फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन। इसने अंबाला के फुटबॉल स्टेडियम को 2024 तक अप्रूव कर दिया है। ये याद रखना, इस स्टेडियम का नाम है वोर हीरोज फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है ना, वोर हीरोज फुटबॉल स्टेडियम। मतलब यूं समझो ये फुटबॉल स्टेडियम ब्राजील देश की तर्ज पे तो बनाया गया है और यहाँ पे 2024 तक इंटरनेशनल लेवल के गेम हो सकते हैं। ये याद रखना, 2024 तक इंटरनेशनल लेवल के गेम हो सकते हैं और ब्राजील देश की इस पर तर्ज पे बनाया गया है। इटली से टर्फ मंगवा के बिछाई गई है, तो काफी जरूरी है। और हरियाणा केंद्र फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, नाम है सूरजपाल अम, याद रख लेना। ज्ञानी इन्फेंटिनो दुनिया के अंदर है, याद रख लेना ये भी। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, ये तो बात मैंने बता दिया, रेडक्रॉस सोसाइटी हरियाणा के सचिव बनाए गए थे। हरियाणा बॉक्सिंग संघ का सत्यपाल संधू अध्यक्ष बनाया, बता दिया। हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी समीर पाल सैरो को केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का अध्यक्ष बनाया। संजीव कौशल, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसकी तो बात बहुत ही जरूरी है। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें जो है ना मुख्य सचिव बने हैं, इनसे पहले थे 34वें नंबर के थे विजयवर्धन, ठीक है ना, 34वें, और 33वीं थी कौन है, केसनी आनंद अरोड़ा, जो अभी मैंने बताया जल संसाधन वाले डिपार्टमेंट में। तो केसनी आनंद अरोड़ा, विजयवर्धन जो हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त है फिलहाल के लिए, राज्य सूचना आयुक्त, और 35वें बने कौन, इनका नाम क्या है, संजीव कौशल है, ठीक है ना, इनका नाम है संजीव कौशल। अगला, दुष्यंत चौटाला जो है ना, ये हरियाणा के अंदर तीसरी बार टेबल टेनिस एसोसिएशन, ये बात भी कितनी गजब है। अब ना ये बात इसलिए गजब है क्योंकि थोड़े दिन पहले ना टेबल टेनिस के अंदर अवनी लखेरा जो है ना आपके, उनको 31 लाख रुपए दिए गए थे। और अवनी लखेरा तो राजस्थान की है, मुझे क्या नाम याद आएगा, क्या उनका, तुमको याद है क्या, गुजरात के मेहसाणा की एक लड़की है जो टेबल टेनिस के अंदर मेडल जीता था और पैरा ओलंपिक में, गुजरात के मेहसाणा की लड़की, अगर किसी को याद आए तो बताना, मैं स्किप कर रहा हूँ, माइंड से भूले जा रहा हूँ, ठीक है। उस लड़की को 31 लाख रुपए दिए थे, गुजरात की मेहसाणा की लड़की है, पैरा ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। और हाँ, तो उनको टेबल टेनिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है ना, उन्होंने 31 लाख दिए। क्वेश्चन पूछा गया था ये पेपर में, किसने दिए, तो अध्यक्ष का नाम दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम तो है, हरियाणा के अंदर जो नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट है ना, उस कंपनी के अध्यक्ष भी हैं, यही अभी नहीं बनी है जो, लेकिन ये टेबल टेनिस एसोसिएशन के तीसरी बार अध्यक्ष बन गए। तो ये तो थोड़ा सा जरूरी सा सवाल है आप लोगों का, ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा के अंदर भूमि सुधार विकास बोर्ड है, इसके जो बने हैं ना नए अध्यक्ष बने हैं, नाम है जगदीश नैयर बने हैं, नाम याद रखना, जगदीश नैयर बने हैं भूमि सुधार के लिए, लैंड रिफॉर्म एसोसिएशन बोलते हैं उसको आप लोग। हिसार के पीयूष मेहता को राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन का उत्तर भारत का चेयरमैन बनाया गया है। हिसार का लड़का है पीयूष मेहता, इनको नेशनल टूरिज्म एंड आपका जो आप डिपार्टमेंट होता है परिवहन फेडरेशन है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, इसके उत्तर भारत का चेयरमैन बनाया गया है, नाम है पीयूष मेहता, ठीक है ना, पीयूष मेहता।
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च जो काउंसिल है इसके अध्यक्ष बने हैं कौन, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर बने हैं। इनको पद्म श्री 2022 का मिला, ये बात मैंने अभी बताई। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था जनवरी 2022 के अंदर। काफी जरूरी सवाल है, अभी आ गया, एक बार फिर से आ गया, रिवाइज हो गया, तो करके इंपॉर्टेंट मानो। हरियाणा कुश्ती जो आपका एसोसिएशन है इसको मैंने अभी बताया था, राकेश सिंह कोच को महासचिव बनाया गया है, ठीक है ना। रोहतास सिंह को तो अध्यक्ष बनाया, राकेश कोच को जो है ना महासचिव। तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया मनु कपिला को, और जितेंद्र जागलान को उपाध्यक्ष बनाया तलवारबाजी का। अगला जो है आपका कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में आया। पी राघवेंद्र राव जो है ना इसके अभी चेयरमैन है एट प्रेजेंट में। हैंडबॉल फेडरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो हैंडबॉल जो है ना भावना पटेल, हाँ भावना पटेल थी, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे पॉजिटिव कमेंट करो, ठीक है, अच्छा भी लगता है। को अभी आओ पॉइंट पे, अध्यक्ष कौन है इसके, दिग्विजय सिंह चौटाला है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, दिग्विजय सिंह चौटाला है आपके, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार को, बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार, व्यक्ति का नाम है ये स्वतंत्र कुमार सिंगल को, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको आप लोग कहते हो रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है। जैसे आप लोग सोलर एनर्जी की बात करते हो, या आप लोग क्या कौन सी एनर्जी की बात करते हो, आप लोग सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये इसके अंदर शामिल होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका अध्यक्ष किसे चुनाया गया है, इसका अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार को, इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी मई 1997 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। हरियाणा समाज कल्याण आयोग कौन है, रोजी मलिक है, क्या नाम है, रोजी मलिक है, समाज कल्याण की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक कौन है, डॉक्टर वीना, ये बदल गई, ठीक है ना, ये आ गई, बदल गई, कहां कौन आ गई सर इनकी जगह, इनकी जगह आ गई सोनिया आ गई, ठीक है ना, सोनिया, सोनिया खुल्लर आई है, सोनिया खुल्लर। ये कौन है जी, ये है राजेश खुल्लर की पत्नी। इसमें क्या इंटरेस्ट है सर हमारा, राजेश खुल्लर में इंटरेस्ट तुम्हारा है तो नहीं, पर बनाना पड़ेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि ये चले गए वर्ल्ड बैंक में, तो जी हम क्या करें, चले गए जाने दो, पीछे अकेली रहेगी, नहीं इसलिए नहीं बता रहा, वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर है ये, उतनी ऊपर की पोस्ट के ये हैं, इनकी पत्नी भी इतनी ऊपर की पोस्ट की है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक बन गई है ये, तो करके भी आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट, याद कर लेना डियर, ठीक है ना। चलो हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर साकेत कुमार, ये अभी बताया था मैंने आप लोगों को, साकेत कुमार। हरियाणा के हो गया, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो जो है सुभाष भराला, सभी शायद जानते होंगे आप लोग, हरियाणा के अंदर जो पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट है ना उनको संभाल रहे हैं कौन, सुभाष भराला संभाल रहे हैं। हरियाणा के अंदर व्यापारी कल्याण, जो हरियाणा के अंदर जो बिजनेस वाला डिपार्टमेंट है, जो आपका यूं कहिएगा जो मार्केटिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके अध्यक्ष रामनिवास गर्ग है। मेवात विकास बोर्ड जो अध्यक्ष है, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके मनोहर लाल खट्टर खुद ही अध्यक्ष बने बैठे हैं। और हरियाणा अनुसूचित जाति यानी कि हरियाणा शेड्यूल कास्ट जो आपका कमीशन है, उसके अध्यक्ष सुनीता दुग्गल है, सिरसा के लोकसभा की सांसद है ये, रिजर्व सीट से ही है, और इसी करके ही जो है ना इनको इस डिपार्टमेंट का बनाया गया। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर हटा दो अब, और अब याद कर लो वीपी यादव, ठीक है ना, वीपी यादव याद कर लेना। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ही है। भाजपा के नए प्रभारी विनोद तावड़े हटा दो, अभी बताया था, क्या नाम बताया था मैंने आप लोगों को, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, बिप्लब कुमार, बिप्लब कुमार देव, कुमार देव, इनमें ना वह है, वो बार बार वह वाला याद आता है इसलिए रुकना पड़ रहा था, ये वह नहीं है, विप्लब नहीं है, विप्लब है ये, ठीक है ना। और ये कौन से राज्य के पहले सीएम रह चुके थे, ये त्रिपुरा के सीएम जो है ना वो रह चुके थे आपके, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नए सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी साहत है, और राज्य बाल आयोग अधिकार ज्योति बैंदा, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है, कौन से नंबर के है, 35वें नंबर के है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल, ठीक है ना, प्रशांत कुमार अग्रवाल 32वें हैं। हरियाणा के जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील है। हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड यानी कि जो आपका
क्या है, कौन सा बोर्ड है ये आपका, जो क्या कहते हैं, एक ई श्रम पोर्टल बना था। अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ई श्रम पोर्टल, ये ई श्रम पोर्टल क्या होता है आपका, जो आपके मजदूर होते हैं ना उनके लिए पोर्टल बनाया गया, असंगठित मजदूरों के लिए पोर्टल बनाया गया ये, ठीक है ना। अच्छा, एस जो आपका जो असंगठित मजदूरों के लिए बनाया गया, इसका मतलब ये है कि जैसे जिनके पास फिक्स लेबर वर्क नहीं होता ना, उनके लिए बनाया गया ये। और ये जो ना रमेश बलहर जो है ना, इसके अध्यक्ष है। मजदूर के पास फिक्स वर्क नहीं होता, मतलब सर जैसे कि लेबर चौक पे जाके कभी खड़े हो जाते हैं, सुबह सुबह आते हैं, जैसे मान लो मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं 5 दिन के लिए बुला लाया, फिर कह दिया जाओ भाई तुम, तो इनके आप लोग बोलते हो कि ये अनस्किल्ड भी रहते हैं और इनके पास में अनफिक्स्ड वर्क है, कोई काम फिक्स नहीं रहता है। इन लोगों के लिए एक ई श्रम नाम का पोर्टल बनाया केंद्र सरकार ने, ठीक है ना। और इसी के वेलफेयर बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ना आपके, उनका नाम क्या है आपका, उनका नाम है रमेश बलहर बनाए गए हैं। हरियाणा के डीजीपी बता दिया, जेल हो गया, ये तो पॉइंट हो ही गया आपका। हरियाणा सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है ना, इसका धनेश अदलखा नाम है, धनेश अदलका। हरियाणा के अंदर जो आपके कॉरपोरेटिव एंड विलेज डेवलपमेंट जो बैंक है, इसके धनेश अदलका है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष है मुकेश खन्ना, ठीक है ना। चेस एसोसिएशन और हरियाणा गृह सचिव कौन है, राजीव अरोड़ा जो है ना, हरियाणा के गृह सचिव है। अच्छा, उसके बाद में हरियाणा में योगा जो आपका है, योगा कमीशन के अध्यक्ष है जयदीप आर्या, ठीक है ना। नाम क्या है इनका, जयदीप आर्या है, योगा कमीशन के। अच्छा, अगला है कि एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हरियाणा कृषि निगम बोर्ड, राकेश दौलताबाद, काफी जरूरी है, काफी काफी जरूरी है, राकेश दौलताबाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा ग्रंथ एकेडमी, हरियाणा ग्रंथ एकेडमी सुनील वशिष्ठ है। हरियाणा साहित्य एकेडमी डॉक्टर चंद्र त्रिखा है। ये इसके चेयरमैन का नाम मुख्यमंत्री साहब है। लास्ट टाइम एचटेट का पेपर देखा होगा आपने, क्वेश्चन आया था आपका, इस करके थोड़ा सा अच्छा से जो है ना आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हरियाणा एसटी आयोग पवन खरखोदा, सुगर फेड के चेयरमैन रामकरण है, ठीक है। हरियाणा एसटी आयोग पवन खरखोदा हो गया, और हरियाणा आवास बोर्ड लास्ट है जोगीराम सिहाग, बरवाला के विधायक है, ठीक है।